पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए ट्रेनी डॉक्टर महिला के साथ दुष्कर्म के बाद पूरे देश में आक्रोश है। इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। हर कोई इंसाफ की मांग कर रहा है, यहां तक कि पूरे देश में धरना और विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इसी बीच कोलकाता पुलिस ने आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 163 को लागू कर दिया, यानी कि अब उसके आसपास कोई भी धरना और विरोध प्रदर्शन अगले 7 दिनों तक नहीं कर सकता है। इसके बाद बंगाल के कई और जिलों में और कोलकाता के कई दूसरी जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए, जैसे कि सॉल्ट लेक स्टेडियम के आसपास हुए, मुंबई में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, राजस्थान में हो रहे हैं, डॉक्टर्स हड़ताल पर जा रहे हैं। अब इसी बीच न्याय की मांग करते हुए भारतीय T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी एक इंस्टा पर पोस्ट डाला है, जहां उन्होंने जो लिखा है उससे शायद इस समाज को कुछ सीखने की ज़रूरत है। सूर्य कुमार यादव ने अपने स्टोरी में लिखा, प्रोटेक्ट योर डॉटर, यानी कि अपनी बेटियों की रक्षा करें, फिर उस लाइन को काट दिया। अब उसके नीचे लिखा, टीच योर सन, यानी कि अपने बेटों को शिक्षित करें, अपने भाइयों को शिक्षित करें, अपने पिता को शिक्षित करें, अपने पति को शिक्षित करें और अपने दोस्तों को शिक्षित करें, जो कि एक समाज की आँखें खोलने वाली लाइन है। आखिरकार हम कब तक बस बात करते रहेंगे? यहाँ पर अभी ज़रूरत है कि लोग जो हैं वो खुद से ये चीज़ सीखें और आगे कदम उठाएं। दुष्कर्म मामले में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसका नाम संजय रॉय है। उसको सीबीआई ने अपनी कस्टडी में भी ले लिया है, उसका साइको टेस्ट भी कराया गया। कई रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि वो बहुत उग्रवादी व्यक्ति था, उसके मोबाइल में जो चीज़ें मिली हैं वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थी, वो शराब का आदि था। तो ये सारी चीज़ें भी अब समाज को सीखने की ज़रूरत है कि किसी भी चीज़ की लत बुरी हो सकती है। हालांकि सूर्यकुमार यादव के अलावा कई भारतीय खिलाड़ियों ने इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई, उसमें मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह जैसे तमाम खिलाड़ी शामिल हैं। और इंसाफ की मांग सिर्फ खिलाड़ी नहीं, पूरा देश उठा रहा है, क्योंकि जो विभत्स घटना उस महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ घटी है वो बहुत जघन्य अपराध है। आपको बता दें कि 9 अगस्त की रात आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में एक ट्रेनी महिला रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर आई थी, लेकिन सुबह रहस्यमय स्थिति में वो मृत पाई गई। उसके शरीर पर जख्म के निशान थे, आंखों से खून बह रहा था, तमाम ऐसी चोटें थी जो बयां नहीं की जा सकती हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर्स भी घबरा गए थे, क्योंकि बहुत ही कष्ट और पीड़ा के साथ उस महिला की जान ली गई थी। अब पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जल्द से जल्द न्याय दिलाने की बात कही है, मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की बात कही, लेकिन अभी समय एक हफ्ते से ज़्यादा का बीत चुका है और कई बार देर से मिला इंसाफ इंसाफ नहीं होता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।